आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ उषा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी के बयान ने चुनावी माहौल गर्म कर दिया। रामास्वामी ने कहा है कि अगर वह 2024 का चुनाव जीत जाते हैं तो संघीय सरकार के 75% से अधिक कर्मचारियों को हटा दें और FBI जैसी कई प्रमुख एजेंसियों को बंद कर दें। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में वो आते हैं तो वह सबसे पहले साल सरकारी कर्मचारियों की संख्या 50% तक कम कर देंगे। अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस को दिए गए साक्षात्कार में रामास्वामी ने कहा, उनके निशाने पर शिक्षा विभाग, FBI, आबकारी, तंबाकू, शस्त्र और विस्फोटक ब्यूरो, परमाणु नियामक आयोग, IRS और वाणिज्य विभाग होगा। रामास्वामी के हवाले से कहा गया कि हम पहले दिन से शुरू कर देंगे और हम पहले साल के अंत तक कर्मचारियों की संख्या में 50% कटौती करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनमें से 30% कर्मचारी अगले 5 साल में सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच जाएंगे, लिहाजा यह जायज है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह जितना अजीब लगता है उतना है नहीं। एक्सियोस के अनुसार रामास्वामी ने कहा कि उनका लक्ष्य 4 साल में 22 लाख कर्मचारियों में से 75% को हटाना है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार संघीय सरकार में लगभग 22,50,000 लोग काम करते हैं। 75% से अधिक कर्मचारियों को हटाने के परिणाम स्वरूप 16 लाख से अधिक लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जिससे संघीय बजट में अरबों डॉलर की बचत होगी। हालांकि इससे सरकार के महत्वपूर्ण कामकाज भी रुक जाएंगे। कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।